नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने अब तक की जो यात्रा तय की है वो बड़ी सुखद भी रही है और प्रभावोत्पादक भी रही है, और उससे संतुष्टि मिली है कि हमने बहुत सारे ऐसे महानुभावों को एक बार फिर से जिया है जिन्होंने हमारे परिवेश में, हमारे समकालीन परिवेश में हमारे साहित्य को, हमारी कविता को बहुत सी देन दी है। ऐसे ही हस्ताक्षरों में एक को मैं आज आपके समक्ष उनकी कविताओं के माध्यम से या उनकी कविताओं के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ। वो हैं प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी। प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी एक वीर रस के कवि हैं मूल रूप से, और ये माना जाता है कि जहाँ कविता पाठ इनका होता है वहाँ वास्तव में वो जोश की तरंगें जो हैं वो लहराने लगती हैं, वही जोश की तरंगें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वक्त बदल गया है तो अब काहे का जोश, अब वो इतना बात, इतनी प्रभावोत्पादकता कहाँ है। लेकिन मनीषी के सस्वर कविता पाठ में आज भी वही प्रभावोत्पादकता कायम है, और मैंने आधी सदी से भी अधिक समय से उनकी कविता यात्रा को निकट से देखा है एक मित्र की भांति और एक प्रशंसक की तरह से। और उन्होंने, लेकिन साथ साथ उसमें ये भी है कि वीर रस के साथ साथ करुण और श्रृंगार का भी उन्होंने बहुत सारा कई रचनाओं में उसको भी आधार बनाया है। तो विलक्षण शब्द मनीषी के रूप में उन्हें माना जाता है, विलक्षण शब्द शिल्पी के रूप में उन्हें। वो ऐसे कवि हैं हमारे परिवेश के जिन्हें लाल किला के कवि सम्मेलन, जो कि अपने आप में एक इतिहास होता है, गणतंत्र दिवस पर जो कवि सम्मेलन होता है उस कवि सम्मेलन में भी काव्य पाठ जो है करने का अवसर मिला है, और देश विदेश में वो अपनी कविताओं के माध्यम से चिरपरिचित हैं, और उन्हें साहित्य सारस्वत सम्मान भी मिला है। दिनकर जी के स्मृति में दिनकर ओज कवि सम्मान भी मिल चुका है, और वर्ष 2017 में हमने उनको हरियाणा गौरव सम्मान भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ समर्पित किया था। तो आज इनकी कविताओं के माध्यम से आप इन्हें देखिए। प्रिय मित्रों, सभी को सादर नमन। पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी और उसके यशस्वी निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी एकल काव्य पाठ के माध्यम से 75 कवियों को लेकर पटल पर आकर मुझे भी ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर विजेंद्र जी, जो कि डॉक्टर त्रिखा जी के दाएं हाथ हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरा राष्ट्र इसी प्रकार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। बहुत त्याग बहुत तपस्या के फलस्वरूप ये अमृत महोत्सव रूपाकार ग्रहण कर पाया है। आजादी का अमृत महोत्सव आया, वीरों ने खुद को फांसी लटकाया है, बजा हथकड़ी झूम झूम कर गाया है, जलियांवाला बाग न कभी भुलाया है, पानी और दूध का कर्ज चुकाया है, सांस सांस आजादी शंख बजाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, बहरे कानों को बम फोड़ सुनाया है, निज घर फूंक तमाशा सदा दिखाया है, अपनी चिड़ियाओं को बाज बनाया है, वीर प्रसूता भारत माँ दिखलाया है, सींचा खेत लहू से तब फल पाया है, सींचा खेत लहू से तब फल पाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है,
काले पानी को जब लाल बनाया खे, नहीं पसीना खुलकर रक्त बहाया खे, कोल्हू चला चला कर खून जलाया है, बर्फ सिल्लियों पर तन को पिघलाया है, एक जन्म में दो जीवन दुख पाया है, एक जन्म में दो जीवन दुख पाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, 7,32,000 कुर्बान हुए, छोटे छोटे बच्चे तक बलिदान हुए, बने नींव के पत्थर वही महान हुए, अभिशापों के बीच बढ़े वरदान हुए, पकड़ पकड़ गर्दन को शीश बजाया है, पकड़ पकड़ गर्दन को शीश बजाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, पीड़ा झेली पेचिश और मरोड़ों की, देह हुई शरणागत का तिलकोड़ों की, मानव होकर जून मिली थी घोड़ों की, हड्डी हड्डी चटकी तन मन जोड़ों की, बिना खिले जब कलियों को चटकाया है, बिना खिले जब कलियों को चटकाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, राष्ट्र यज्ञ में तन मन, राष्ट्र यज्ञ में तन मन की समिधा डाली, लहू दिया घृत सम जीवन घट कर खाली, गोरों के छोरों की नहीं सही गाली, गोरों के छोरों की नहीं सही गाली, नीचे नहीं गिराई पूजन की थाली, नीचे नहीं गिराई पूजन की थाली, रात दिवस देखी न धूप या छाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, भारत से लंदन तक गए क्रांतिकारी, भारत से लंदन तक गए क्रांतिकारी, दुष्टों के कंठों पर चला गए आरी, कहीं प्रकट हो जाते थे इच्छाधारी, कहीं प्रकट हो जाते थे इच्छाधारी, चर्म चक्षुओं से फूटी थी चिंगारी, चर्म चक्षुओं से फूटी थी चिंगारी, चुन चुन कर बदला लेकर टपकाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, किस किस काले नाम असंख्यों तारे हैं, वे जागे तो जागे भाग्य हमारे हैं, सबके सब स्वतंत्रता के हर द्यारे हैं, सबके सब स्वतंत्रता के हर कारे हैं, अंधियारी दुनिया के शुभ उजियारे हैं, सिर बोए स्वतंत्रता बाग लगाया है, सिर बोए स्वतंत्रता बाग लगाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, कहीं गर्म दल कहीं नर्म दल के उत्पल, दोनों में ही खिले सहस दल या शत दल, राष्ट्र राष्ट्र की माला जपते थे पल पल, राष्ट्र राष्ट्र की माला जपते थे पल पल, जागा सारा देश तभी तो निकला हल, जागा सारा देश तभी तो निकला हल, मगर माउजर का अवदान सवाया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, पूरा देश जगाया हम सब जाग गए, पूरा देश जगाया हम सब जाग गए, चोर लुटेरे डाकू डर कर भाग गए, भाग्यवान हम बने सभी निर्भाग गए, भाग्यवान हम बने सभी निर्भाग गए, पूछ और फण कुचले तब ही नाग गए, पूछ और फण कुचले तब ही नाग गए, कबीर मनीषी की ही ये सब माया है, कबीर मनीषी की ही ये सब माया है,
तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है, उसने ही तो प्रभु ने ही तो यह शुभ दिन दिखलाया है, कबीर मनीषी की ये सब दिन माया है। तब जाकर ये अमृत महोत्सव आया है। और ये अमृत महोत्सव तो आ गया, लेकिन हमें इसका संरक्षण संवर्धन और इसे जितना भी हम आगे बढ़ा सकें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए दूसरी कविता संकल्प लेते हुए मैं धरती माता को, भारत माता को प्रणाम करते हुए निवेदित करना चाहता हूँ। हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे मर्म भूमि भारत, हे धर्म भूमि भारत, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, अगला जन्म यही हो, अगला जन्म यही हो, यह प्रार्थना करेंगे, हे जन्म भूमि भारत। तव धूल धूप चंदन, हर केत क्यार नंदन, है सांस सांस वंदन, तुझसे अटूट बंधन, हे वेद भूमि भारत, हे योग भूमि भारत, हे क्रांति भूमि भारत, हे शांति भूमि भारत, तेरे चरण में जग की हर संपदा धरेंगे, अगला जन्म यही हो, यह प्रार्थना करेंगे, हे जन्म भूमि भारत, तूने जन्म दिया है, तुझसे पले बढ़े हम, माता पिता है तू ही, गोदी में नित चढ़े हम, हे ज्ञान भूमि भारत, विज्ञान भूमि भारत, वरदान भूमि भारत, विद्वान भूमि भारत, आकंठ हम ऋणी है, तेरी ही जय कहेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तू ही रितम भरा है, अनुपम वसुंधरा है, पावन चिदंबरा है, उज्ज्वल परंपरा है, हे संत भूमि भारत, अरिहंत भूमि भारत, प्रणवंत भूमि भारत, भगवंत भूमि भारत, अवमानना तुम्हारी, अवमानना तुम्हारी, किंचित नहीं सहेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, हम पंक्तिबद्ध होकर बलिदान हित खड़े हैं, आशीष पा तुम्हारा बिन शीश भी लड़े हैं, महिमा विमंड भारत, महिमा विमंड भारत, ध्रुव ध्येय दंड भारत, अतिशय प्रचंड भारत, भावी अखंड भारत, भावी अखंड भारत, संभावना को संभव, संभावना को संभव, हर मूल्य पर करेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, हम आग हो गए हैं, पंचाग्नि यज्ञ तप कर पहुंचे हैं हम यहाँ तक, तेरा ही मंत्र जप कर, हे मातृभूमि भारत, हे पितृभूमि भारत, हे पुण्य भूमि भारत, हे देव भूमि भारत, तप त्याग में मनीषी, तप त्याग में मनीषी,
पीछे नहीं रहेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे मर्म भूमि भारत, हे धर्म भूमि भारत, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, अगला जन्म यही हो, अगला जन्म यही हो, यह प्रार्थना करेंगे, हे जन्म भूमि भारत, हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में ये कामना करते हुए संकल्प लेता हूं और सबसे कहता हूं कि हर भारतवासी को, हर देशभक्त भारतवासी को ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ वंदे मातरम, वयम राष्ट्रे जाग्रियाम देवा, जय भारत जय भारती। धन्यवाद।